अध्याय एक रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य में हमने रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा, उनकी दर को निकाला, रासायनिक साम्य के बारे में जाना। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बाद पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की अवधारणाएं। अम्ल या क्षार किसे कहते हैं? इसके लिए अम्ल शुरू में ऐसा कहा जाता था कि जो स्वाद में खट्टा होता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल। जैसे नींबू, नींबू के रस को अगर हम खाते हैं तो खट्टा लगता है तो वह अम्लीय है। ये क्षार को अगर हम लेते थे तो क्षार कैसा होता है? जो तीक्ष्ण होता है खाने में, उसे हम क्या लेते थे? क्षार कहते थे। तो अम्ल क्षार की जो पुरानी परिभाषाएं हैं उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी है। अम्ल वास्तव में क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है, और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। इसके अतिरिक्त अम्ल और क्षार की एक और विशेषता होती है कि अम्ल है जब किसी धातु से क्रिया करता है कोई भी अम्ल, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसी तरह से अम्ल की एक और विशेषता होती है, ये किसी कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। इसी तरह से अगर क्षार की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई, जो आपका क्षार है उसमें अम्ल से अगर उसकी क्रिया की जाए, अम्ल धन क्षार अगर ये दोनों क्रिया करते हैं, जैसे हमने लिया अम्ल HCl, क्षार लिया NaOH, तो इनकी क्रिया से हमेशा बनता है लवण और पानी। जैसे लवण बनेगा NaCl और बनता है पानी। इस क्रिया को हम कहते हैं उदासनीकरण की क्रिया, उदासनीकरण की क्रिया। कहने का मतलब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो अम्ल उदासीन हो जाता है, और क्षार में अगर अम्ल मिलाते हैं तो आपका क्षार उदासीन हो जाता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और पानी। इस क्रिया का नाम होता है उदासनीकरण की क्रिया। अम्ल और क्षार की जो परिभाषाएं हैं समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने दी है। इसमें पहली परिभाषा है उन 1884 में दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम था आर्नियस। आर्नियस के अनुसार अगर हम अम्ल की परिभाषा देखें, अम्ल क्या है तो जलीय विलयन में जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, H प्लस मतलब प्रोटॉन देते हैं, उसको उन्होंने अम्ल कहा। उदाहरण के लिए जैसे HCl, HCl पानी में H प्लस और Cl माइनस में बदलता है, तो HCl क्या है? अम्ल है। उसी तरह से हम H2SO4 लेते हैं तो ये बनाता है H प्लस और बाइसल्फेट आयन HSO4 माइनस। इसने भी H प्लस दिया, इसने भी H प्लस दिया, इसलिए आर्नियस के अनुसार जो जलीय विलयन में H प्लस देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, उसको उन्होंने क्या कहा? अम्ल कहा। अब उन्होंने क्षार की परिभाषा दी, क्षार किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, OH- आयन जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, हाइड्रोक्सिल
आयन। देते हैं उसको उन्होंने छार कहा। उदाहरण के लिए एनीवेज टूटता है और बनाता है एनए प्लस और ओएच माइनस, इसलिए यह क्या हुआ, छार हुआ। किसके अनुसार, आर्नियस के अनुसार। आर्नियस और आर्नियस ने जो परिभाषा दी थी उसमें उन्होंने एक शब्द लिया था जली विलयन में। हमको मालूम है बहुत सारे ऐसे अम्ल और छार होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, तो इस परिभाषा को जो विलयन, जो अम्ल छार जल में नहीं घुलते, या फिर बहुत सारे ऐसे अम्ल छार है, जैसे हम लेते हैं अमोनिया। अमोनिया वास्तव में एक छार होता है, लेकिन यहाँ पे हमने छार की आर्नियस के अनुसार परिभाषा देखा, इसमें होना चाहिए हाइड्रोक्सिल आयन। जबकि हम अमोनिया को देखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी हमको हाइड्रोक्सिल आयन दिखाई नहीं देता। वास्तव में छार है, लेकिन हम इस आर्नियस के परिभाषा से हम इसको छार है या नहीं समझा सकते। उसी तरह से अगर हम बोरान ट्राइफ्लोराइड को देखते हैं तो आप देखिए इसमें कहीं हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो इसको अम्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, क्या होता है, अम्ल होता है। तो इस परिभाषाओं से, आर्नियस की परिभाषा से बहुत सारे अम्ल क्षार को तो समझाया जा सका, लेकिन बहुत सारे अम्ल क्षार जो होते हैं उसको इन परिभाषा से जब नहीं समझाया जा सका तो एक नई परिभाषा दी ब्रॉन्स्टेंट लारी ने। अगली परिभाषा हम लेते हैं अम्ल और क्षार की, ब्रॉन्स्टेंट लारी की परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम ले लेते हैं ब्रॉन्स्टेंट लॉरी की परिभाषा। ये परिभाषा उन्होंने 1923 में दिया था। इस परिभाषा में उन्होंने थोड़ा सा जली विलयन को हटा दिया। उन्होंने कहा अम्ल वह है जो H+ आयन देता है, और क्षार क्या है, तो उन्होंने कहा जो H+ यानी प्रोटॉन लेता है वह क्या है, क्षार है। उन्होंने एक नई परिभाषा दी, अम्ल वे पदार्थ है जो H+ आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ है जो प्रोटॉन लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं HCl ली, HCl की क्रिया किसी पदार्थ से कराई, मान लो मैंने यहाँ पे पानी लिया, HCl की क्रिया मैं पानी से कराई, तो HCl H+ देगा, बनाएगा Cl-। पानी जो होता है वह H+ जो इसने दिया है, चूंकि ये अम्ल था H+ दिया, पानी क्या है, क्षारी हो जाएगा, इसने H+ लिया और हाइड्रोनियम आयन बनाया। तो ये H+ दिया HCl ने, इसलिए ब्रॉन्स्टेंट लॉरी के अनुसार यह अम्ल है। पानी H+ लिया, इसलिए ब्रॉन्स्टेंट लॉरी के अनुसार यह क्या हुआ, क्षार हुआ। उसी तरह से अगर हम अमोनिया का उदाहरण लेते हैं, अमोनिया धन HCl, अमोनिया यहाँ पे क्षारी है, कैसे पता लगाएंगे, आर्नियस से हम नहीं बता सक रहे थे क्योंकि इसमें OH- नहीं था। ये हमारा अम्ल है, स्पष्ट दिख रहा है, ये H+ देगा, H+ जब देता है तो ये बदलेगा Cl- में, HCl Cl- में बदल गया, और अमोनिया ने इस H+ को ग्रहण किया तो वह बन गया अमोनियम आयन। किस में बदल गया वह, अमोनियम आयन। इस तरह से हम कह रहे हैं
इस परिभाषा से हम अमोनिया क्षार है इसे समझा सकते हैं, क्योंकि अमोनिया H प्लस ग्रहण करता है और किस में बदल जाता है, अमोनियम आयन में, इसलिए अमोनिया अम्ल है। HClH प्लस दिया, इसलिए ब्रॉन्स्टेन लॉरी के अनुसार क्या है, यह क्षार है। इस ब्रॉन्स्टेन लॉरी की परिभाषा से हम बहुत सारे अम्ल क्षार को तो समझा सके, लेकिन कुछ अम्ल क्षार जैसे हम अभी लेते हैं BF3, यह अम्ल है, इसे हम अभी भी इस परिभाषा से नहीं समझा सकते। ब्रॉन्स्टेन लॉरी से हम बोरान ट्राइफ्लोराइड अम्ल है ये नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? यहाँ पे हमको कहीं हाइड्रोजन आयन दिखाई नहीं देता। उसी तरीके से हम Cl- क्या क्षार है इसको भी हम स्पष्ट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अब एक और नई परिभाषा दी गई लुइस ने, जिन्होंने इसकी कमियाँ को दूर किया। इसके पहले ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने एक और बताया, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। अगला लेते हैं हम संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। ब्रॉन्स्टेन लॉरी की अवधारणा से हम पर आपको समझाएंगे संयुग्मी अम्ल किसे कहते हैं और संयुग्मी क्षार। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को बताने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने HCl को लिया, हमको मालूम है HCl क्या होता है, अम्ल होता है, क्योंकि यह H प्लस दे सकता है। दूसरा हमने पानी को लिया, पानी अम्ल के साथ है तो यह क्षारी व्यवहार करेगा। वैसे पानी कैसा होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी नेचर होता है। अम्ल के साथ यह क्षार की तरह व्यवहार करता है और क्षार के साथ यह अम्ल की तरह व्यवहार करता है। चूंकि हम पानी को अम्ल के साथ ले रहे हैं इसलिए इसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, क्षारीय। सबसे पहले देखिए HCl टूटेगा आपका H प्लस और Cl माइनस में, इस H प्लस को पानी ले लेगा, बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। फिर से HCl हमारा अम्ल था, H2O हमारा क्या था, क्षार था। HCl ने H प्लस दिया, बनाया क्या, Cl माइनस। पानी क्षार है, इसने H प्लस को ग्रहण किया और क्या बनाया, H3O पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए जो विपरीत क्रिया हो, अगर हम इसके विपरीत क्रिया की बात करें पश्च डायरेक्शन में, पश्च अभिक्रिया की, तो यहाँ पे दो आयन दिख रहे हैं हमको, Cl- और H3O पॉजिटिव। यहाँ पे H+ की संख्या अधिक है हाइड्रोनियम आयन में, इस H+ को यह देगा, कौन देगा, H3O पॉजिटिव H+ को देगा, तो क्या बनेगा, फिर से H2O में बदलेगा। और इसके H प्लस को कौन ग्रहण करेगा, Cl माइनस, और Cl माइनस किस में बदलेगा, HCl में। अगर हम विपरीत क्रिया को देखते हैं तो ये व्यवहार कर रहा है अम्ल की तरह, ये क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है, और इस Cl ने इसके H प्लस को ग्रहण किया तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह। अब यहाँ पे हमको अग्र अभिक्रिया में भी दो अम्ल क्षार के बीच की क्रिया दिखी और पश्च अभिक्रिया में भी हम क्या देख रहे हैं, दो अम्ल और दो क्षार को देख, अम्ल और क्षार दोनों के बीच की क्रिया को देख रहे हैं।
संयुग्मी अम्ल किसे कहेंगे या संयुग्मी क्षार। हमने इस अम्ल को लिया, कौन से अम्ल को लिया? HCl को। HCl जब एक H प्लस देता है तो बदलता है Cl माइनस में। तो पहले अम्ल का HCl अम्ल का संयुग्मी क्षार क्या होगा? Cl माइनस। क्योंकि अगर Cl माइनस को हम एक H प्लस दे दे तो वो फिर से किस में बदल जाता है? HCl में। तो अम्ल के किसी अम्ल के संयुग्मी क्षार में, कौन से क्षार में? संयुग्मी क्षार में अगर किसी अम्ल के संयुग्मी क्षार को देखते हैं तो उसमें याद रखिएगा एक H प्लस हमेशा कैसा होता है? कम होता है। HCl अम्ल था, उसने अपना H प्लस दिया, क्या बनाया? Cl माइनस। Cl माइनस ये H प्लस ले सकता है, इसलिए व्यवहार करेगा क्षार की तरह। और यह क्षार अब इस अम्ल का कौन सा क्षार कहलाएगा? संयुग्मी क्षार। किसी अम्ल के संयुग्मी क्षार में हमेशा याद रखेंगे एक H प्लस कम होता है। कम क्यों होगा? क्षार है इसलिए वो ग्रहण करेगा, इसलिए उसमें H प्लस हमेशा कम होता है। अब हम देखते हैं पानी। पानी का सूत्र H2O है, यहाँ पे ये H प्लस ले रहा है, क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। इस क्षार का संयुग्मी अम्ल, इस क्षार का पानी का संयुग्मी अम्ल H3O पॉजिटिव होगा। क्यों? पानी क्षार है, इसने क्या ग्रहण किया? प्रोटॉन को ग्रहण किया और H3O पॉजिटिव बनाया। इस तरह से हम कहेंगे किसी क्षार के संयुग्मी अम्ल में H प्लस हमेशा H प्लस एक अधिक होता है। तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की परिभाषा यहीं पे दिख रहा है। किसी अम्ल के संयुग्मी क्षार में हमेशा एक H प्लस कम रहता है, किसी क्षार के संयुग्मी अम्ल में एक H प्लस हमेशा कैसा रहता है? अधिक रहता है। तो इस तरह से हमने किसको देखा? अम्ल और क्षार और उनके संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। अगला लेंगे हम लुईस की परिभाषा। अगला है हमारा लुईस की परिभाषा अम्ल और क्षार की। पहला अम्ल और दूसरा हम लेते हैं क्षार। अभी तक आर्नियस ने या ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने इलेक्ट्रॉन के आधार पर अम्ल क्षार की परिभाषा नहीं बताई थी। उन्होंने किसके आधार पर बताया था? H प्लस देना या OH माइनस देना या H प्लस देना या H प्लस लेना, ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने बताया था। किसी ने इलेक्ट्रॉन के आधार पर अम्ल क्षार की व्याख्या नहीं की थी। अगली परिभाषा लुईस ने दी। लुईस ने इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को आधार माना। उन्होंने ये कहा, अभी तक हम बोलते थे अम्ल में हमेशा देता है H प्लस देता है, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन की पारी आती है तो हम नया शब्द देंगे यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वह अम्ल होता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वह क्या होता है?
क्षार होता है। अभी तक अम्ल में हमने देखा था H प्लस देता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, अम्ल वह है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और क्षार वह है जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। उदाहरण हम ले सकते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया का। बोरान को देखते हैं, परमाणु क्रमांक 5 होता है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3। फ्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बोरान से इसका सहसहजीवी बंध बनता है, 8 हो गया। दूसरे फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक बोरान से लिया इसका 8 हो गया। तीसरे फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बोरान से लिया और इस फ्लोरीन का भी हो गया 8। अब बोरान के पास पहले से 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3। 3 इसको किससे मिले हैं, फ्लोरीन से। टोटल 3 इसके पास हो गए बोरान के पास। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। क्या बोरान का स्टेप पूरा हुआ है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। कौन सा यौगिक है, यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन की कैसी है, कमी वाला यौगिक है। इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास कितना होना चाहिए, 8। अमोनिया को लेते हैं तो अमोनिया का परमाणु नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। 3 इसको हाइड्रोजन से मिलते हैं, 1, 2, 3, 4। टोटल इसके पास हो जाता है नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक लोन पेयर होता है। अब Br3 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अमोनिया उसके साथ उपस्थित रहेगा, किसके साथ, बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ, तो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है किसको, बोरान को। फिर से देखिए, अमोनिया का नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बोरान ट्राइफ्लोराइड को देता है, इसलिए बोरान ट्राइफ्लोराइड क्या है, यहाँ पे लुईस अम्ल है और अमोनिया क्या है, यहाँ पे लुईस क्षार है। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार की परिभाषा फिर से देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वह लुईस क्षार होता है और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वह लुईस अम्ल होते हैं। अमोनिया यहाँ पे लुईस क्षार है और Br3 यहाँ पे क्या है, लुईस अम्ल है। इस तरह से हमने देखा कि अमोनिया लुईस क्षार है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और Br3 लुईस अम्ल है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है। इसमें लुईस अम्ल और लुईस क्षार के उदाहरण आपसे पूछा जाता है। लुईस अम्ल अगर पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, कमी, वह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। जैसे कोई भी धन आयन मैंने लिखा, मान लीजिए NH4+, तो यह लुईस अम्ल होगा क्योंकि इसमें क्या है, धन आयन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा Cu2+, धातु आयन, तो धातु आयन धन आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए भी यह क्या होगा, लुईस अम्ल होगा। या जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन
कम है, जैसे आप AlCl3, BF3 जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं, AlCl3, BF3 जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यह भी क्या है की तरह व्यवहार करते हैं, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। अगला हम लेंगे लुईस क्षार का उदाहरण कौन कौन सा होता है। लुईस क्षार की जहां बात होती है वहां पे याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होनी चाहिए। जैसे ऋण आयन जो होते हैं, जितने भी क्या होते हैं ऋण आयन, मान लीजिए मैं Cl- लिख रही हूँ, तो Cl- है, इसके पास ऋण चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कैसी है, अधिकता है, तो यह भी क्या होगा, लुईस क्षार होगा। उसी तरह से मान लो मैं Or- लिख रही हूँ, माइनस है मतलब यह किसकी तरह व्यवहार करेगा, लुईस क्षार की तरह। उसी तरह से अमोनिया में लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए भी यह क्या होगा, लुईस क्षार होगा। एमीन जैसे RnH2, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, यह भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए यह भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, लुईस क्षार की तरह। अगला लेते हैं हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। इसके अतिरिक्त आपकी पुस्तक में और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे एल्कोहल है, आपका ईथर है, ये भी आपके लुईस क्षार के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा में लुईस अम्ल और लुईस क्षार छांटने के लिए आता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी दिखती है आपको, उस स्पीसीज को आप क्या लिखेंगे, लुईस अम्ल, और जहाँ आपको माइनस चार्ज या इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखता है ईथर में, अल्कोहल में, एमीन में, तो वो सब कैसे होंगे, आपके लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। अगला लेते हैं हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दूसरा है आपका दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल है जो जलीय विलयन में या विलयन अवस्था में अधिक मात्रा में आयनित होते हैं, अधिक आयनित होते हैं और आयनित अधिक होने के कारण H+ अधिक देते हैं, अधिकता से आयनित होते हैं और H+ आयन अधिक देते हैं, उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl अगर उपस्थित है तो 100% आपको H+ और Cl- मिलने की संभावना रहती है। HCl का H+ और Cl- में आयनन अधिक होता है, आयनन कैसा होता है, अधिक होता है, इसलिए HCl आपका कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। उसी तरह से HNO3 ले सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल, H+ और नाइट्रेट आयन में बदलता है, ये भी अधिक मात्रा में आयनित होता है, इसलिए यह भी आपका कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल। अगला हम लेते हैं प्रबल क्षार।
प्रबल क्षार वह क्षार है जो जली विलयन में कम आयनित होते हैं या आयनन के बाद कम मात्रा में OH- आयन देते हैं या H+ आसानी से ग्रहण नहीं करते। H+ आसानी से ग्रहण करते हैं उसको हम कहते हैं प्रबल क्षार। फिर से जो OH- अधिक देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन जो अधिक मात्रा में देते हैं या सरलता से H+ ग्रहण करते हैं, सरलता से H+ ग्रहण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं प्रबल क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH जब आयनित होता है तो बहुत अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन देता है Na+OH- माइनस, इसलिए यह कैसा क्षार है प्रबल क्षार। उसी तरह से हम KOH को लेते हैं, ये भी अधिक मात्रा में K+ और OH- आयन देता है इसलिए यह भी कैसा क्षार है प्रबल क्षार। अगला हम लेते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो कम आयनित होते हैं, जो कम आयनित होते हैं जिनमें आयनन कम होता है या आसानी से H+ आयन नहीं देते, H+ आयन आसानी से नहीं देते उसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं एसिटिक अम्ल, सूत्र होता है CH3COOH, यह बहुत कम आयनित होता है और CH3COO- और H+ कम देता है, कम आयनित होता है इसलिए यह कैसा अम्ल है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। उसी तरह से हम कार्बोनिक अम्ल को भी ले सकते हैं, इसमें आपके बहुत सारे अम्ल के और उदाहरण हैं, जैसे दुर्बल अम्ल में हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कार्बोनिक अम्ल H2CO3 एक्वस है या जली विलयन है, जली विलयन ये भी है तो ये भी जलीय अवस्था में मिलेगा और ये भी जलीय अवस्था एक्वस, एक्वस मतलब AQ जली विलयन, ये भी टूटेगा कार्बोनिक अम्ल और बनाता है आपका 2H+ और CO3 2-। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो कम आयनित होता है जली विलयन में जिसमें आयनन की मात्रा क्या होता है कम होता है उसको हम क्या कहेंगे दुर्बल अम्ल कहते हैं। अगला हम लेते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, जो कम आयनित होते हैं ऐसे क्षार, जैसे आपका उदाहरण ले सकते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड या आसानी से आपका OH- आयन नहीं देता है। अगला है हमारा दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार की परिभाषा ले सकते हैं वे क्षार जो आसानी से जली विलयन में OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते या H+ आसानी से ग्रहण नहीं करते, H+ आसानी से ग्रहण नहीं करते, ग्रहण नहीं करते हैं आसानी से उसको हम आसानी से H+ ग्रहण नहीं करते उसको भी हम दुर्बल क्षार में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब जली विलयन में उपस्थित रहता है तो यह
बनाता है Mg2+ ion और 2OH- ion, जिसकी मात्रा कैसी रहती है, कम आयनित होता है, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, दुर्बल क्षारीय भी जलीय अवस्था में रहता है एक्वस, और यह भी जलीय अवस्था में हमको देखने को मिलता है। उसी तरह से एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह भी आपका दुर्बल क्षार है, इसके जलीय विलयन को देखते हैं तो बहुत कम आयन मात्रा में हमको कैल्शियम आयन और बहुत कम मात्रा में हमको हाइड्रोक्सिल आयन देखने को मिलता है, इसलिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कौन सा क्षार बोलते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। ये सारे क्षार हमारे कैसे हैं, दुर्बल क्षार है। फिर से लेते हैं हम, प्रबल अम्ल अधिक आयनित होते हैं जलीय विलयन में, H+ ज़्यादा देते हैं, जैसे HCl है, नाइट्रिक अम्ल है। प्रबल क्षार जो ज़्यादा मात्रा में जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या सरलता से H+ ion ग्रहण करते हैं, जैसे NaOH लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में अगर हम लेते हैं इनको, ये सारे आपके जलीय अवस्था में हैं, चाहे HCl की बात हो, चाहे आप NaOH की बात करें, सारे जलीय अवस्था में हैं। उसी तरह से हम दुर्बल अम्ल को लेते हैं, एसिडिक अम्ल, यह भी जलीय विलयन में बहुत कम मात्रा में आयनित होता है, और एसिडिक अम्ल और आपका H+ या प्रोटॉन देता है। उसी तरह से आपका दुर्बल क्षार लेते हैं, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो बहुत कम मात्रा में जलीय अवस्था में आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो ये आपके दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अगला हम लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगला है हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और दूसरा है हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा परिवर्तन, इसको हम दो भाग में लेते हैं, पहला ऊष्मा क्षेपी क्रिया और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक, जिसको कहा जाता है बाहर निकलता है क्रिया में ऊर्जा, और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी क्रिया, जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ऊर्जा है वो अवशोषित होती है। पहला लेते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक की ऊष्मा अधिक होती है, और क्रिया के बाद जब उत्पाद बनता है उसकी ऊष्मा कम होती है, और जो ऊष्मा कम हो रही है उत्पाद से, अभिकारक से, वह ऊष्मा बाहर मुक्त होती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्रियाकारक की ऊष्मा अधिक होती है, जब क्रियाकारक से उत्पाद बनता है
तो उत्पाद की ऊष्मा कम होती है और बची हुई ऊष्मा है वो क्रिया के दौरान बाहर मुक्त होती है। इस क्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण ले सकते हैं हम, दूसरा उदाहरण आपका दूसरी क्रिया होती है ऊष्मा शोषी क्रिया। इसमें अभिकारक की ऊष्मा, अभिकारक की ऊष्मा कैसी होती है, कम होती है। अभिकारक ऊष्मा को ग्रहण करता है क्रिया के दौरान और उत्पाद में बदलता है। उत्पाद की ऊष्मा कैसी होती है, अधिक होती है। तो याद रखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्रिया में ऊष्मा बाहर मुक्त होती है, क्योंकि अभिकारक से उत्पाद की ऊष्मा कम होती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, अवशोषित की जाती है। इसका कारण ये है कि अभिकारक की ऊष्मा कम होती है और उत्पाद की ऊष्मा अधिक होती है, तो अभिकारक क्रिया में ऊष्मा को ग्रहण करता है। इसको हम एक ग्राफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हम एक तरफ ऊष्मा को ले, यहाँ अगर अभिकारक की ऊष्मा है क्रियाकारक की, क्रियाकारक जब उत्पाद में बदलता है, किस में बदलता है, उत्पाद में, तो क्रियाकारक से कम ऊर्जा का है उत्पाद, नीचे ऊर्जा लेवल है, उत्पाद नीचे है, तो जितनी ऊष्मा मुक्त करता है यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के दौरान बाहर निकलती है। इसलिए जो बाहर मुक्त होती ऊष्मा उसको हम क्रिया के बाद निकल रहा है, इसलिए हम उसको धन में प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखिए, इसको हम राइट हैंड साइड में धन के साथ प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी क्रिया। इस क्रिया को अगर हम ग्राफ से दर्शाएं तो यहाँ अगर ऊष्मा है, ये आपका क्रियाकारक है, क्रियाकारक की ऊर्जा कम है, उत्पाद की ऊर्जा अधिक है, तो क्रियाकारक से जब उत्पाद बनता है तो इतनी ऊर्जा है वह ऊष्मा के रूप में क्रिया के दौरान अवशोषित करते हैं। क्रियाकारक की ऊर्जा कम है, उत्पाद की ऊर्जा अधिक है, तो जो ऊर्जा है क्रियाकारक से उत्पाद बनेगा तो वह ऊष्मा के रूप में अंदर अवशोषित की जाती है और इस तरह से आपका क्रिया होता है। उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, यह ऊष्मा का मान 44.3 किलो कैलोरी होता है, जिसे हम क्रिया के बाद दाएं तरफ राइट हैंड साइड में धन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड धन जो ऊष्मा है उसे हम लिखते हैं। उसी तरह से अगर हम और एक उदाहरण लेते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से क्रिया करता है, बनाता है अमोनिया गैस। यहाँ पे भी 22.4 किलो कैलोरी, 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपी क्रिया कहते हैं। अगला लेते हैं ऊष्मा शोषी क्रियाएं। ऊष्मा शोषी क्रिया उदाहरण नाइट्रोजन
ऑक्सीजन से क्रिया करता है, फिर से लेते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से क्रिया करता है, बनाता है नाइट्रिक अम्ल, इस अम्ल को कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल। फिर से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, इसमें जो ऊष्मा परिवर्तन होता है, इस क्रिया में ऊष्मा अवशोषित किया जाता है, यह मान होता है 43.2 किलो कैलोरी। इसको हमने दाएं तरफ ऋण चिन्ह से प्रदर्शित किया है, जो यह बताता है कि क्रिया के दौरान इतनी ऊष्मा को क्रिया कारक अवशोषित करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर मुक्त होती है, और इसे हम क्रिया कारक के साथ धन चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा है ऊष्मा शोषी क्रिया, क्षेपी में बाहर मुक्त होता है, दूसरा है आपका ऊष्मा शोषी क्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की ऊष्मा कम होती है और अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो क्रिया कारक ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिसे हम राइट हैंड साइड या दाहिने तरफ माइनस के रूप में या ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा बाहर से ली जाती है। उदाहरण हमने देखा अमोनिया बनने में ऊष्मा क्षेपी क्रिया में 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हुई थी, उसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, इसमें हमारा ऊष्मा अवशोषित हो रहा है और यह ऊष्मा माइनस के रूप में हमने दर्शाया है 43.2 किलो कैलोरी। आगे हम पीएच पैमाने के बारे में चर्चा करेंगे, और इस तरह से हमने अम्ल, अम्ल की परिभाषा आर्नियस के अनुसार, ब्रॉन्स्टेन लॉरी के अनुसार, लुइस के अनुसार पढ़ा, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की परिभाषा देखी, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं इसे देखा, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी क्रियाओं को देखा। अगला हम पीएच पैमाने का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।